हर हर महादेव आप सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं राजघाट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राजघाट है और बाढ़ की स्थिति क्या बनी हुई है राजघाट पर, मैं आपको ये आज दिखाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाढ़ का पानी पूरा इन सीढ़ियों तक ऊपर तक आ चुका है, ये देख सकते हैं। और पूरी तरह से बोट राइडिंग बंद कर दी गई है, इक्का दुक्का ही जो है नाव बस इधर उधर तैरती हुई दिखेगी आपको। पूरी तरह से नाव राइडिंग एकदम से बंद है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो लकड़ियाँ वगैरह थी वो सब इधर साइड में कर दी गई है। पूरा ये जितनी चिड़ियाँ थी ना, सारी की सारी डूब चुकी हुई हैं। अभी अगर आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखा होगा तो राजघाट पे एक इवेंट हो रहा था, वो जो स्टेज था वो पूरा तुरंत से यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से वो डूब चुका है, पानी की जल में समा गया है, वो दिख नहीं रहा है कि वो आखिर कहाँ चला गया। और देखिए, बाढ़ के बावजूद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे बाढ़ के पानी में ही नहा आ रहे हैं, पूरी तरह से मज़े ले रहे हैं। ये राजघाट है और पानी दिखा रही हूँ कितना ऊपर तक पानी आ चुका है। इससे यहाँ पर काफ़ी सारे पहले जब जितना भी था, पहले इतना चौकियाँ लगी हुई नहीं थी, इतने पंडित जो बोलते हैं ना वो लोग बैठते नहीं थे, वो अब यहाँ पर नया नया सब देख रही हूँ, नया नया सब बैठे हुए हैं, इतना भीड़ भाड़ यहाँ हो गया है क्योंकि श्रद्धालु। अब पहले ये राजघाट वैसे स्थान था भी नहीं नहाने का, यहाँ लोग पहले नहाते नहीं थे, इतनी सारी गंदगियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर लोग नहाना शुरू कर दिए हैं। जब नहाना शुरू कर दिए हैं तो यहाँ पर चौकियाँ लगनी भी शुरू हो चुकी हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर लोग नहा भी रहे हैं और अपने अंग वस्त्र भी यहीं पर धो रहे हैं, मतलब पाप भी यही करना है, पुण्य भी यही करना है। ये देखिए किस तरह से लोग नहा रहे हैं, मतलब कितनी भद्रता से लोग नहा रहे हैं, कोई मतलब ये गंगा जी का जल कुछ तरीके से अब लोगों ने एकदम से मतलब तय कर लिया है कि ख़राब कर देना है। वो तैरता हुआ आपको यहाँ फ्लोटिंग दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं, ये जो है ना ये नाव में बैठने के लिए फ्लोटिंग लाई जाती है। वो देखिए तैरता हुआ नाव में बांध करके लाया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बाढ़ बहुत तेज़ी से है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे लोग तैयार भी हैं सुरक्षा हेतु यहाँ पे जल करे नाव भी यहाँ पे रखे गए हैं। कोई बाढ़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, कोई डूबता हुआ मिले तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे नाव रखी गई है। और मैं दिखा रही हूँ कि पानी कहाँ तक आ चुका है, जैसे पूरी सारी सीढ़ियाँ, ये भी हम लोग इसके नीचे तक जाते थे, ये पूरी ही सीढ़ियाँ अब तक अब डूब चुकी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। पर इन सब बाढ़ के बावजूद भी इतने कार्यों में कहीं से कोई कमी नहीं आई, कार्य अभी भी चल रहे हैं, अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई वाला कार्य हो रहा है क्योंकि बहुत तेज़ी से कार्य अब हो रहा है। नमोघाट तो पेज टू बन ही रहा है, लेकिन राजघाट पर भी कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दिन रात 24 घंटा यहाँ पर साफ़ सफाई होती रहती है और कार्य निरंतर गति से अपना वेग पकड़े हुए हैं। क्या क्या नए कार्य हुए हैं आइए आपको आज यूट्यूब हम ये भी दिखाने वाले हैं, क्या क्या नए कार्य अब तक राजघाट पर हो चुके हैं, राजघाट पहले क्या था और अब क्या बन के तैयार हो चुका है आपकी, आपको हम ये भी दिखाने वाले हैं। नहीं, आप घाट के बाद अब राजघाट का नंबर भी आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी कार्य शुरू हो चुका है, बहुत तेज़ी से कार्य आगे बढ़ भी रहा है। ये देखिए यहाँ पर कचरा गाड़ी आ चुकी है, दो गाड़ी अभी देखा आप लोगों ने, एक गाड़ी यहाँ से गई जो कचरा उठा लिया और दूसरी गाड़ी ये देख सकते हैं यहाँ पर वो जा रही है, वो भी कचरा उठा करके पूरे रास्ते को साफ़ किया जा रहा है। दिन प्रदिन ये काम स्टार्ट, मतलब दिन प्रदिन ये कार्य बढ़ता ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े से यहाँ पर ग्रिल लगाए जाएंगे, पूरी ये बैरिकेटिंग यहाँ से वहाँ तक, पूरी जहाँ तक नमो घाट है ना वहाँ तक ही पूरी बैरिकेटिंग की जाएगी ताकि जो लोग भी आते हैं बाढ़ में तो वो इधर से मतलब इधर से फांद के उधर न जाने पाए, तो उनके लिए पूरी ये बैरिकेटिंग भी लगाई जाएगी। इधर से यहाँ पर गड्ढों को यहाँ पर खोद दिया गया है और सिर्फ यहाँ पर जालियाँ ही लगानी बाकी है, यहाँ पर जालियाँ लगानी बाकी है और गड्ढों की खुदाई वाला काम जो होना था वो हो चुका है। तो आगे आपको और दिखाते हैं कि कार्य और कितना बढ़ रहा है आगे तेज़ी से, जैसे कि पानी का जलस्तर कहाँ तक आ चुका है, इसके आगे तक लोग जा कर के पूरा ही अपना घूमते फिरते थे लेकिन पानी पूरा वहाँ तक आ चुका है। और यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, अभी ये पूरा ही एकदम बागवानी यहाँ अच्छी तरीके से की जाएगी, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा नया कार्य हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे ये कार्य बढ़ भी रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल यहाँ पर गंदगी अब दिखने वाली नहीं है, साफ़ सफाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रास्तों में एकदम रास्तों को एकदम क्लीन करके रास्तों को प्लेन किया जा रहा है ताकि जो भी लोग यहाँ पर नमो घाट पर आए, राजघाट पर भी वो लोग आते ही आते हैं, तो उसके लिए ये कार्य बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा आपको आगे चलते हैं और वहाँ भी दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या कार्य चल रहा है।
तो जैसा कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर ढलाई वाला कार्य चल रहा है। यहाँ पर ये पूरा फर्श को बनाया जाएगा अभी, तो फर्श बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये पूरा रास्ता ही बंद करके तैयार कुछ दिनों में ये हो जाएगा। बाढ़ से कोई मतलब नहीं, कार जो चल रहा है वो चलता ही रह रहा है, ये कार रुका हुआ कहीं से भी नहीं है। मैं कुछ नए कार भी आपको दिखाने वाली हूँ कि वो कार अभी कौन कौन से हो चुके हैं। रेलिंग लगने वाली है पूरा ये गेड़ करके, ये पूरा ही गेड़ करके यहाँ पे एक रेलिंग लग जाएगी, जालियाँ लग जाएंगी ताकि कोई भी इधर से उधर न जाने पाए। पहले देख सकते हैं पहले ये यहाँ पे क्या स्थिति, और अब ये कितना ही पूरा खोद खाद के एकदम साफ कर दिया गया है, और यहाँ पूरा पेड़ लगाया जाएगा, ये पूरा यहाँ पर रेलिंग लग जाएगी ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं से कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। मतलब जितना भी कार्य आप दे सकते हैं, हमारी मोदी सरकार के समय जितना कार्य हो रहा है, कितना तेज़ी से कार्य हो रहा है, और कितना तेज़ी से वो कार्य आगे भी बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राजघाट है और उसके बगल में जैसे नमो घाट है, और नमो घाट और राजघाट जोड़ने का जो रास्ता था, ये जो रास्ता था यहाँ पर एकदम खुला हुआ था, यहाँ पर अब एक गेट लगा दिया गया है जिससे कि लोग ऑटो गाड़ी अपनी बाइक को अब यहाँ से ले जा ना पाए। क्योंकि पहले क्या था ना कि लोग सीधे ही अपना वहाँ राजघाट से उतरते थे और सीधे ही अपना घुमा करके ये अपना राजघाट अपना भदोई चुंगी निकलते थे, पर अब क्या है कि यहाँ पर एक गेट लग गया है जिसकी वजह से अब कोई भी बाइक कोई भी गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती है। तो ये कार्य बड़ा अच्छा हो गया है कि जो जो नागरिक थे, जो सैलानी थे, यहाँ पर रुकते थे घूमते फिरते थे, उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित हो गया है ये गेट लग जाने की वजह से, ताकि अब कोई भी यहाँ से अपना गाड़ी बड़ी गाड़ी बाइक साइकिल कुछ भी ले जा नहीं पाएगा। तो ये कार्य बड़ा अच्छा हुआ है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करते हैं। नमस्कार।